हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट टू सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री ऑनर्स के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम टॉपिक पढ़ रहे थे अल्कोहल। एक पहले भी इस पे एक लेक्चर एक वीडियो अपलोड किया था। इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं अल्कोहल्स की, उनको हमने दो भागों में बांटा था। एक वह अभिक्रियाएं जिसमें कि अल्कोहल में ओ एच बंध टूटता है, ओ और एच के मध्य जो बंध है वह टूटता है, ऐसी अभिक्रियाएं। और उसका दूसरा पार्ट है, उसका दूसरा पार्ट है वे अभिक्रियाएं जिसमें सी ओ बंध टूटता है, बंध जो सी और ओ के मध्य होता है वह टूटता है। आपने पिछले जो लेक्चर है उसमें ये देखा कि जो रिएक्शंस जिनमें कि ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज होता है, हमने देखा कि वह अम्लीय प्रकृति देते हैं। एस्टरिफिकेशन उसका एक एग्जांपल है, ईथर का फॉर्मेशन जो कि विलियम सिंथेसिस ऑफ ईथर है, वह भी उसका एक उदाहरण है। हमने देखा एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड के साथ ये अभिक्रिया करता है और एस्टर बनाता है। और पांचवी हमने इसमें ये अभिक्रिया देखी थी कि ये सल्फोनेट्स भी बनाते हैं। ये सब अभिक्रियाएं हम पुराने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे उसमें रिएक्शन है, उसमें अभिक्रियाएं हैं जो कि सी और ओ बंध के मध्य जो क्लीवेज हो रहा है, जो टूट रहा है, उसके वह रिएक्शन हम इसमें आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें आने वाली इस हेडिंग में आने वाली पहली अभिक्रिया है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। क्या कह रहे हैं ये कि हाइड्रोजन हैलाइड्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स, अल्कोहल के साथ में जब हाइड्रोजन हैलाइड अभिक्रिया करता है टू अफोर्ड एल्किल हैलाइड्स, तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड्स बनते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड जब अभिक्रिया करता है अल्कोहल्स के साथ में आर ओ एच प्लस एच एक्स देन आर एक्स प्लस एच टू ओ, द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज इन द ऑर्डर। ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड एच बी आर एच सी एल, इनकी जो अभिक्रियाशीलता है उनकी अभिक्रियाशीलता किस क्रम में है, एच आई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर एच बी आर और फिर एच सी एल। एच आई इज ग्रेटर देन एच बी आर एंड दिस इज ग्रेटर देन एच सी एल, यानी एच सी एल की जो अभिक्रियाशीलता है टूवर्ड्स एल्कोहल एल्किल हैलाइड बनाने में वो सबसे कम होती है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों की जो अभिक्रियाशीलता है उनका क्रम किस तरह से होता है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। हम जानते हैं प्राइमरी स्टेबल है, अधिक स्टेबल होने के स्थायी होने के कारण अभिक्रियाशीलता, हम जानते हैं अभिक्रियाशीलता उतनी जितनी ज़्यादा होती है, यानी स्टेबल यदि स्थायित्व ज़्यादा है तो अभिक्रियाशीलता कम होती है। अभिक्रियाशीलता स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए होती है, क्योंकि प्राइमरी अधिक स्थायी है तो क्या होता है, इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। तो जो एल्कोहल में जो क्रम है अभिक्रियाशीलता का वो कैसा होता है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव या अभिक्रियाशील होता है और प्राइमरी सबसे कम। दिस रिएक्शन कैन अकर बाय SN1, SN2 और SN1 मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एल्कोहल। यह अभिक्रिया SN2 या SN1 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। किस चीज़ पर डिपेंड करता है मैकेनिज्म, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एल्कोहल,
अल्कोहलों के नेचर पर, उनकी प्रकृति पर, कि अल्कोहल जो आपने लिया है वो किस प्रकृति का है, किस प्रकार का है, इस पर अभिक्रिया का की क्रियाविधि डिपेंड करेगी। हम जानते हैं इसकी अभिक्रिया किस क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है, SN2 या SN1, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एक अणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा या द्विअणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के द्वारा। अब हम देखें SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म के द्वारा कौन सी संपन्न होती हैं। यदि सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स रिएक्ट बाय दिस मैकेनिज्म एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। हम जानते हैं SN1 मैकेनिज्म जो है वो कैसे होता है, दो स्टेप में होता है, दो पदों में होता है। सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स रिएक्ट बाय दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म, इस क्रियाविधि के द्वारा सेकेंडरी एवं द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल अभिक्रिया करते हैं। एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स, और अभिक्रिया दो पद में संपन्न होती है। पहले पद में क्या होता है, आपका H प्रोटोन जुड़ जाता है, X निकल जाता है, और फिर बाद में आपका H2O पानी निकलने के बाद में एक कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। ये कार्बोकेटायन किससे, हेलाइड आयन से अभिक्रिया करके क्या दे देते हैं आपको, एल्किल हेलाइड दे देते हैं। R3COH ये आपका अल्कोहल है, अभिक्रिया कर रहा है HX हाइड्रोजन हेलाइड आपकी अभिक्रिया कर रहा है, क्या करेंगे, हेलाइड आयन निकल जाएगा, ये H इससे जुड़ा तो क्या बन गया, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया है, और माइनस H2O पानी निकल गया और आपको क्या दे दिया, कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन हेलाइड आयन से अभिक्रिया की है सेकेंड स्टेप में और आपको क्या दे दिया, R3CX। SN2 मैकेनिज्म, SN2 अभिक्रिया क्रियाविधि, प्राइमरी अल्कोहल्स रिएक्ट बाय दिस मैकेनिज्म, प्राइमरी प्राथमिक अल्कोहल इस क्रियाविधि के द्वारा अभिक्रिया करते हैं। एज यूजुअल दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ ट्रांजिशन स्टेट एंड टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। हम क्या है, ये कैसे होती है, ये एक पद में होती है, SN2 अभिक्रिया एक पद में होती है। पहले क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक संक्रमण अवस्था बनती है, और बाद में वो क्या हो जाता है, टूट के आपको प्रोडक्ट या उत्पाद दे देता है। ROH प्लस HX, RX भी लगा हुआ है, H2O भी लगा हुआ है। आप देखेंगे संक्रमण अवस्था वो होती है जिसमें न बंद पूरा टूट पा रहा है, न पूरा बंद बन पा रहा है, ये संक्रमण अवस्था है, और फिर टूट कर आपको क्या दे देते हैं, एल्किल हैलाइड। तो हमने क्या देखा कि इस अभिक्रिया में द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल किस अभिक्रिया के द्वारा, मैकेनिज्म द्वारा चलते हैं, SN1 के द्वारा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो SN2 मैकेनिज्म, SN2 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्किल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद फॉस्फोरस ट्राई और पेंटाक्लोराइड्स। यदि अल्कोहलों की अभिक्रिया PCl3 या PCl5 से करें तो किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ROH प्लस PCl3 RClH3PO3 और PCl5 के साथ में भी ये एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। सिमिलर रिएक्शंस अकर विद PBr5 एंड PI5 टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। इसी प्रकार की अभिक्रियाएं PBr5 और फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड और फॉस्फोरस पेंटाआयोडाइड के साथ में भी होती हैं और क्या देती हैं आपको, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स। नेक्स्ट
रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड. कन्वर्जन ऑफ एन एल्कोहल इंटू एन एल्किल हैलाइड कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ थायोनिल क्लोराइड. आप क्या कह रहे हैं, अब हमने ये देखा एल्किल हैलाइड का निर्माण हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा भी हो रहा था. नेक्स्ट में हमने ये पढ़ा कि फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ में भी हो रहा था. अब हम देख रहे हैं कि ये जो एल्किल हैलाइड का निर्माण है वो थायोनिल क्लोराइड के द्वारा भी संपन्न होता है. इनिशियली फॉर्म्ड क्लोरोसल्फेट एस्टर्स विच हैव बीन आइसोलेटेड डिकम्पोजेस टू द प्रोडक्ट. ये जो पहले क्लोरोसल्फाइट एस्टर्स बन रहे हैं ये आपको डिकम्पोज होके क्या देते हैं, उत्पाद दे देते हैं ROH+SOCl2, ROSOCl, तो ये RCl में कन्वर्ट हो गया है. थायोनिल क्लोराइड के द्वारा भी एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जा सकता है. नेक्स्ट डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट आपकी अभिक्रिया है, वह अभिक्रियाएं क्या पढ़ रहे हैं हम, वह अभिक्रियाएं जिनमें कि किसके मध्य का बंध टूट रहा है, सी और ओ के मध्य, सी ओ बंध के विदलन के द्वारा ये अभिक्रियाएं होती हैं. अब हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण. एल्कोहल्स ऑन हीटिंग विथ एसिड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अंडरगो डिहाइड्रेशन. एल्कोहलों को अम्ल या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर वह निर्जलीकृत हो जाते हैं. पानी का एवोपरेशन. RCH2CH2OH किसकी प्रेजेंस लेंगे आप, या तो एसिड H2SO4 ले लीजिए या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके साथ इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है. आप इसमें एग्जांपल्स में दे सकते हैं, 1-butanol से आपको 2-butene बिना है जो मेजर प्रोडक्ट है, थोड़ा सा 1-butene भी बन जाता है. नेक्स्ट रिएक्शन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और नेम रिएक्शन से भी आती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन. हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, एल्कोहल जिनमें CH3CHOH यानी एक सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी कार्बन, एल्कोहल किससे जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा रहता है, वह क्षार की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हेलोफॉर्म बनाते हैं. हमने देखा दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दोज एल्कोहल विच हैव CH3CHOH ग्रुप. सच एल्कोहल ऑन हीटिंग विद हेलोजन एंड एक्वस एल्कली फॉर्म क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं बहुत यूज होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, आप जानते हैं. तो क्या कहते हैं कि एल्कोहल की एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन से बहुत एग्जाम में आती भी है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया. वह एल्कोहल जिसमें कि इस तरह का ग्रुप लगा रहे, क्या OH ग्रुप किससे जुड़ा रहे, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा रहे, वह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ रहे, तो इस तरह के जो एल्कोहल हैं वो हेलोजन के साथ क्रिया करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस एल्कली की क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं. आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने इथेनॉल का करा, इथेनॉल Cl2 की उपस्थिति है, नहीं सेकेंडरी एल्कोहल नहीं हो, यदि H भी लगा हुआ है, जैसे इसमें CH में एक H भी लगा हुआ है, तो हम ये देख रहे हैं जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल ने अभिक्रिया की, आपको पहले एल्डिहाइड बनाया, उसके बाद में फिर क्लोरीन से क्रिया करी, और आपको लास्ट में इसने NaOH के साथ क्रिया करके क्या दे दिया, क्लोरोफॉर्म. 2-propanol की अभिक्रिया हमने देखी, इसके साथ में भी हमने देखा कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण
करते हैं। थैंक यू।